वेलकम एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं और ये सिटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट यही पढ़ रहे हैं, तो उसी से क्वेश्चन है। आप एक बार क्या कीजिएगा कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, जब एक बार आप अपने से बनाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा बनाने में कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, कि नया साल है, 24 आ चुका है, तो नए साल में नए क्वेश्चन के साथ हम लोग हाजिर हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और अपने से बनाने का ट्राई किया होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन है ना, ये निम सेट प्लस टीसीएस एनक्यूटी को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो गुड एनफ, आप इसको वीडियो को देखिए, और नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो ये हर मतलब आप जनरल कंपटीशन में आपका काम आएगा। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है? 8% आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग द नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में 8% बैठा हुआ है। 3% सिट बिटवीन पी एंड वी। तो सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग। पी और बी के बीच में कितना है? 3% है। दूसरा है कि एस सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी। एस कहाँ है? इमीडिएटली लेफ्ट। हम लोग ट्राई भी करना शुरू कर देते हैं। पी और बी के बीच में 3% है ना, तो पी 1 2 3, बी यहाँ पे होगा, या सेकेंड केस होगा कि बी यहाँ पे बना रहे हैं, इसके बीच में 3% रख दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दे रहा है? एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। अब एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी बैठा हुआ है यहाँ पे, नोट कीजिएगा ना, डायरेक्शन सब नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, तो सारा नॉर्थ फेसिंग हो रहा है, तो इस साइड मेरा लेफ्ट होगा और इस साइड मेरा राइट होगा। एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, एस यहाँ पे है, और क्या है कि एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, और बी से सेकेंड राइट है। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसको एस इमीडिएट लेफ्ट है टी का और सेकेंड राइट है बी, यानी बी यहाँ पे होगा तो सेकेंड राइट यहाँ पे होगा, इस तरीके से बनेगा। तो मान लेते बी यहाँ पे, पहले वाले में तो एस एक गैप छोड़ के एस और टी बना। ठीक है, और यहाँ पे अगर बनाते हैं तो बी एक छोड़ दिए एस और टी। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें तो 8 हो गया है, इसमें 8 नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। ए कहाँ है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में ए है। ठीक है, बना दिए कंडीशन, ये वाला फुलफिल हो गया मेरा कंडीशन, ये भी फुलफिल हो गया, ये भी फुलफिल हो गया। अब ये नहीं हटा देते हैं। ठीक है, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, और क्यू से सेकेंड लेफ्ट है। ठीक है, तो ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर कहाँ है? आर, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ए इमीडिएट लेफ्ट है आर के, आर हु सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू, सेकेंड लेफ्ट है यानी कि क्यू यहाँ पे देंगे, तो 1% का गैप छोड़ करके सेकेंड में देना पड़ेगा। तो इसका पोजिशन अगर हम इसको कहीं पर भी बैठाते हैं, इस केस में भी बैठाएंगे हम यहाँ पे, तो ए आर यहाँ पे अगर आर रखते हैं तो ए नहीं आ पाएगा। ठीक है, चूंकि अगर यहाँ पे आर प्लेस करेंगे तो ए जस्ट बगल में आना चाहिए, तो ए यहाँ पे नहीं आ पाएगा, आर यहाँ प्लेस नहीं होगा। और अगर आगे बी से आगे प्लेस करते हैं इसको, तो ए आर एक का गैप देना पड़ेगा और फिर क्यू प्लेस करना पड़ेगा। अगर हम काउंट करते हैं तो 4 5 6 7 8 9, तो कोई भी कंडीशन में यहाँ पे 9% हो जा रहा है, तो ये वाला केस तो नहीं बनने वाला है। ठीक है, यानी कि केस मेरा ऊपर वाला रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन इसी में होगा। अब ए कहाँ बैठ रहा है? 2% गैप करके। ठीक है, यहाँ पे अगर क्यू प्लेस करते हैं तो बी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, 1% गैप करके दे रहे हैं, तो आर यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, जो पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है उसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो एक था मेरा कि ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ए इमीडिएट लेफ्ट है आर का, आर हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्यू प्लेस करते हैं तो एक गैप है। ठीक है, फिर आर प्लेस करेंगे और उसके बगल में ए प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं होगा, बी ऑलरेडी है। अगर यहाँ पे क्यू प्लेस करेंगे, एक गैप करेंगे और फिर आर देंगे ए, तो ठीक है, तो यही मेरा कंडीशन होगा। क्यू यहाँ प्लेस कर रहे हैं, आर यहाँ प्लेस कर रहे हैं और ए यहाँ प्लेस कर रहे हैं। अब जो रिमेनिंग पोजिशन बचा हुआ है, वो बचा हुआ है मेरा 8% है, 3 डायरेक्शन में है। 8% यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, शायद लगता है छूट गया, इसमें स्किप कर गया, तो देख लीजिएगा 8% होगा मेरा ए बी पी क्यू आर एस टी ए बी सी। ठीक है,
जो रिमेनिंग पर्सन होगा यानी सी होगा, कोई रिमेनिंग पर्सन नहीं दिया हुआ, तो जो भी रिमेनिंग पर्सन होगा वो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, जो रिमेनिंग पर्सन होगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट इन, तो एक्सट्रीम लेफ्ट इन में कौन है मेरा, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये पता चल रहा है क्या है, मेरा पी है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट इन में मेरा पी होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट इन, राइट इन में कौन बैठा है, ऑब्वियस है यहाँ पे तो टी दिख रहा है राइट इन में, तो टी बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर होगा मेरा डी। और थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, आर का पोजीशन लेफ्ट एंड से क्या है, ठीक है, तो ये तो मेरा लेफ्ट एंड होता है यहाँ पे, तो एक दो तीन चार यानी फोर्थ है, ठीक है, तो आर का पोजीशन लेफ्ट एंड से मेरा फोर्थ है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो को प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं जहाँ नहीं समझ में आया हुआ, और हाँ पॉज जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, एक बार अगर आप खुद से बनाइएगा तो आपको गैप्स पता चलेगा कि आपको कहाँ पे कंसेप्ट छूट रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, हैव एन ऑसम डे।